गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम फिर से आ चुके हैं एक और नई अनबॉक्सिंग के साथ, जहां पर गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्स करेंगे हाल ही में चाइना में लॉन्च हुए ओप्पो रेनो 5 प्रो को। जहां पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सभी स्पेसिफिकेशन ओप्पो रेनो 5 प्रो के, साथ में जानेंगे कि कब स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा। सो गाइस बने रहिए इस वीडियो में और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो ज्यादा बोर ना करते हुए फटाफट से अनबॉक्सिंग को शुरू करते हैं। सो गाइस अगर हम बात करें ओप्पो रेनो 5 प्रो के बॉक्स की, तो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ 5 लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको ओप्पो की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, जहां पर बॉक्स को ओपन करते ही ऊपर की तरफ आपको जो एक व्हाइट कलर का बॉक्स देखने को मिलता है, जहां पर गाइस लिखा गया है ओप्पो रेनो 5 प्रो का स्लोगन। जहां पर हम इस बॉक्स को निकालते हैं तो गाइस यहां पर जो बॉक्स है इसके अंदर आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशंस देखने को मिलती हैं, जिनको रखते हैं हम साइड में। फिर आते हैं गाइस हम फोन पर, जो कि मेन हाईलाइट है इस अनबॉक्सिंग की। तो यहां पर गाइस जो फोन है उसकी इन हैंड फील जो है गाइस बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अगर हम बात करें ओप्पो रेनो 5 प्रो की, जहां पर इसके जो कलर्स हैं गाइस वो बहुत ही ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। और ये जो वेरिएंट है गाइस ये रेनबो एडिशन वेरिएंट है, जहां पर इसमें जो आपको बहुत सारे डिफरेंट रेनबो कलर्स जो है देखने को मिलते हैं इस फोन के बैक साइड पे। जहां पर गाइस बात करें इसकी कैमरा डिटेल्स की, तो यहां पर आपको जो है रेक्टेंगुलर कटआउट में जो है रियर कैमरास दिए गए हैं, जहां पर आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप जो है प्रोवाइड किया गया है, जहां पर प्राइमरी सेंसर आपको जो है 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। फिर गाइस आपको एक 8 मेगापिक्सल का जो है अल्ट्रावाइड लेंस प्रोवाइड किया गया है रियर साइड में। फिर आपको एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और गाइस आपको जो है एक 2 मेगापिक्सल का जो है डेप्थ सेंसर भी रियर में प्रोवाइड किया जाता है। बात करें गाइस अगर हम इस स्मार्टफोन के बैक की, तो यहां पर आपको जो है ग्लास का जो है बैक देखने को मिलता है फोन का। वहीं जो बिल्ड है गाइस फोन का वो भी आपको जो है ग्लास का देखने को मिलता है। वहीं पे जो आपको जो कैमरा जो मॉड्यूल देखने को मिलता है, वहां पर गाइस जो है आपको एक टाइटेनियम जैसे देखने को मिलता है, मतलब कि आप बोल सकते हैं, जो कि रात में ग्लो करने वाला है। और इसके जो वेट है गाइस वो भी जो है ओप्पो के पुराने फोन से आपको जो है कम देखने को मिलता है। बात करें गाइस इसके डिस्प्ले की, तो यहां पर गाइस आपको जो है 6.55 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन की OLED डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि आती है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। साथ में इस फोन में जो आपको पंच होल देखने को मिलता है वो गाइस आपको देखने को मिलता है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, जहां पर गाइस आपको इसमें जो है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। वहीं पर बात करें अगर इस फोन के प्रोसेसर की, तो गाइस ये आता है फोन 5G के साथ, जहां पर इसमें आपको मीडियाटेक का ऑक्टा कोर डायमेंसिटी 1000 प्लस वाला जो है प्रोसेसर देखने को मिलता है। वहीं पर बैटरी की अगर हम इसकी बात करें, तो यहां पर आपको 4250 एमएएच की बड़ी बैटरी प्रोवाइड की जाती है। और इनबॉक्स जो आपको 65 वॉट का जो है फास्ट चार्जर प्रोवाइड किया जाता है, जो कि गाइस आपके फोन को ऑलमोस्ट 45 मिनट में जो है फुल चार्ज कर देने वाला है। बात करें गाइस बॉक्स कंटेंट की, तो यहां पर आपको जो है कवर भी देखने को मिलता है फोन के बॉक्स के साथ, जहां पर जो कवर है गाइस वो भी बहुत ही डिसेंट लगता है इस फोन के साथ जब हम इसको लगाएंगे। साथ में यहां पर जो आपको एक टाइप सी केबल प्रोवाइड की जाती है, वहीं पर आपको जो फोन में है वो भी आपको टाइप सी पोर्ट ही देखने को मिलता है। AMOLED डिस्प्ले मतलब OLED डिस्प्ले होने की वजह से यहां पर जो है आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। वहीं पर इस फोन के अगर हम वेरिएंट्स की बात करें, तो यहां पर आपको जो है दो वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, जहां पर 8GB 128GB चाइना में लॉन्च हुआ है 3399 युआन का, जो कि गाइस कन्वर्ट कर ऑलमोस्ट 38500 बन जाते हैं। वहीं वाइज जो 12GB 256GB जो वेरिएंट है वो गाइस चाइना में लॉन्च हुआ है 3799 युआन का, जिसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो यहां पर आपको जो है 41000 जो है इफेक्टिव प्राइस देखने को मिलती है इंडियन रिकरेंसी के हिसाब से। बात करें गाइस इन स्मार्टफोन की, तो आउट ऑफ द बॉक्स इस स्मार्टफोन में जो है आपको कलर ओएस 11 देखने को मिलता है, जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 11 पर। साथ में जो है गाइस इन फोन की बात करें अगर इंडियन लॉन्च की, तो ऐसा बताया जा रहा है कि जनवरी मिड तक जो है ये फोन इंडिया में लॉन्च हो सकते हैं, जहां पर इस बार भी ये फोन जो है 5G के साथ आने वाले हैं। और गाइस अगर आप ओप्पो रेनो 5 की अनबॉक्सिंग की वेट कर रहे हैं, तो गाइस कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। इसके जस्ट बाद जो है हम ओप्पो रेनो 5 की भी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं हमारे चैनल पर। और अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। एक लाइक से गाइज आपके बहुत ही ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलती है ऐसी ही वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।